तुझे कौन बचाएगा? मेरा मोंटी आ गया। मोंटी, मोंटी गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो लगे जब प्यास पियो मंकी, आप आओ झूम उठे। तैयार हो ना? ओ मोंटी, तुम मेरे सुपर हीरो हो। हे मोंटी, मोंटी जरा प्रोडक्ट का नाम तो फ्लैश करो, इस तरह नहीं। याद रखो तुम इस एड के हीरो हो, जरा स्टाइल से। ए, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जरा मेरी हेल्प करो, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है, जल्दी करो जल्दी। तुम्हें पैनिक अटैक हो गया है? तुम जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊपर हो। डायरेक्टर तुम्हारे काम से खुश नहीं है, वो हम दोनों की छुट्टी कर देगा मोंटी। तुम अपनी जान बचाओ। ड्रिंक का नाम क्या है? मंकी आओ। और मैं इस एड का हीरो हूँ। अब जाओ मेरा दिमाग मत चाटो। देखो डायरेक्टर भड़का हुआ है। और इस साल का ऑस्कर मिलता है मोंटी को, एक बंदर स्टूडियो के अंदर के लिए। ख्याली पुलाव मत पकाओ, ये तो बिल्कुल ठीक है दोस्तों। क्या तुमने? बस चने की झाड़ पर बैठा हुआ है। अभी इसे जमीन पर लाता हूँ। कुछ भी मुंह में मत डालो। अरे इस डायरेक्टर को कोई डॉक्टर के पास लेके जाओ रे। पागल तो तुमने हमें बना रखा है, लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं झेलूंगा। निकालो इसे यहाँ से, निकालो इसे, निकालो इसे यहाँ से। दफा हो जाओ। मुझे लगता है मैंने एड्स वेड्स बहुत कर लिए, अब मुझे फिल्मों में एक्टिंग करनी चाहिए, समझे? अरे देखो जरा मुझे, हीरो लगता हो हीरो। हम उस देश के वासी है जी, जिस देश में गंगा बहती है। अरे मैं किसके लिए बनाऊ पता है? शेक्सपियर करने के लिए। नाम सुना है ना? अरे अपना शेक्सपियर रे बांगलू, क्या कर रहा है? विलियम शेक्सपियर। क्या जमाना आ गया है। अरे इसको डायरेक्टर कौन बनाया? डायलॉग बाजी बंद करो और दफा हो जाओ यहाँ से। मैं डायलॉग बाजी कर रहा हूँ? खुद को स्टीवन स्पीलबर्ग समझते हो? अरे तुम्हारी ये जो एड है ना, ये टाइटैनिक की तरह डूब जाएगी। तुम एक नंबर के फ्लॉप डायरेक्टर हो, अपना बीमा जल्दी करा लो, नहीं तो एंड में कोई बनाना भी खिलाने नहीं आएगा। हाँ, और तुम क्या हो, छोटू राम लंगूर की औलाद? तुमने कभी अपनी शक्ल देखी है आईने में? हाँ देखी है, और अब वापिस देखने जा रहा हूँ, पर तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। मोंटी मेरी बात सुनो। डोंट वरी सर, ये मान जाएगा। मोंटी हे हे, मेरी बात सुनो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते, हमें इसे गवाना नहीं चाहिए। तो क्या करूँ, यहाँ खड़े रहकर अपनी बेइज्जती सहूँ? ये ना हो पाए भैया। वैसे मेरा हेयर स्टाइल तो सही है ना? एकदम झकास है। देखो तुम इस एड फिल्म के हीरो हो, और तुम जानते हो बंदरों को ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। डरो मत, ये बंदर हर मौके पर चौका मारेगा। ये हुई ना हीरो वाली बात। मोंटी गला सूख रहा है, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो लगे जब प्यास पियो मंकी आप, आओ झूम उठे। पियो मंकी आप, आओ झूम उठे। तैयार हो ना? पियो मंकी आप, आओ झूम उठे। आज शाम को बाहर जा रही हूँ, बहुत मजा आएगा। मॉम क्या हम मंकी रख सकते हैं? नहीं स्वीटहार्ट, ये जंगल नहीं है। हाँ मैं सुन रही हूँ। हाँ मैं बस अभी निकल रही हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँच जाऊंगी। पर मॉम आपने कहा था आप मुझे स्कूल में ड्रॉप करेंगी। सॉरी बेबी, लेकिन मुझे बहुत सारे काम करने हैं, नया जॉब है, फिर क्रिसमस की शॉपिंग है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर के लिए भी शॉपिंग करनी है। ओह आई लव यू। स्क्रिप्ट रेडी है? हाँ मुझे तो अच्छा लग रहा है। हाँ मैं जल्दी आ रही हूँ। हाय हनी, क्या हुआ हनी, तुम बहुत जल्दी में हो क्या? हाँ हूँ। तो ये एक कोर्ट रूम ड्रामा है, और इसमें एक दिलचस्प ये वाला नहीं है। ये वाला ओके। ओह हमारी प्रिंसेस को स्कूल से पिकअप करना मत भूलना। चलो मैं तुम्हें स्कूल छोड़ देता हूँ, वरना तुम आज भी लेट हो जाओगी। मैं तो 3 हफ्तों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, इस बार कंपटीशन टफ होगा। तुम तो सिलेक्ट हो ही जाओगी क्योंकि तुम कैलिफोर्निया से हो। ऐसा कुछ नहीं है। हे, तुम कैलिफोर्निया से आए हो है ना? हाँ मैं इथन। हम पड़ोसी हैं, मैं हूँ टेलर।
हाय एशली। रेबेका हाय। तुम ऑडिशन दे रहे हो? हाँ नहीं हाँ। ऑल द बेस्ट। ओके बाय, फिर मिलेंगे। मतलब ये अफवाह सच है कि मोंटी द मंकी बोल सकता है? मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कहता हूँ। मोंटी तुम इस मंकी एड फिल्म में हीरो हो, पर हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि मोंटी असल जिंदगी में कैसा है। ऐसा कि मैं उन एक्टर्स जैसा नहीं हूँ जो कहते हैं कि मैं ऑफ स्क्रीन बिल्कुल अलग लगता हूँ, पर मैं तो कहूँगा कि मैं जैसा अपनी असली जिंदगी में हूँ वैसा ही स्क्रीन पर भी दिखाई देता हूँ। क्या सच में? हाँ, मैं तो दिन रात पानी के बदले मंकी अभी पीता हूँ। पिछले हफ्ते टॉयलेट में पानी नहीं था, सोचा क्या करूँ, मंकी अब खुला और काम चला लिया। मैं तो मेरी लाइफ मजेदार किस्सों से भरी हुई है, मुझ पर एक फिल्म भी बन सकती है। यकीन नहीं होता तो मैं जैकी चैन की तरह फाइटिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि मैंने अब तक तो कोई एक्शन फिल्म साइन नहीं की, क्योंकि जैकी को मैं अपना गुरु मानता हूँ। बेचारे के पेट पे लात क्यों मारूं? मैं बहुत दयालु हूँ। अच्छा तो बात क्या हो रही थी? हाँ, मैं रियल लाइफ में बिल्कुल वैसा हूँ जैसे स्क्रीन पर दिखाई देता हूँ। तो तुम अपने स्टंट्स खुद ही करते हो मोंटी? अरे इस जर्नलिस्ट को कौन पकड़ के लाया, ऑफकोर्स खुद ही करता हूँ। अच्छा तुम ये सवाल टॉम क्रूज से भी पूछोगी क्या? ओ, मैं समझ गई। तो तुम्हें एक टॉकिंग मंकी होना और मंकी अप का फेस होना कैसा लगता है? अब मैं क्या बताऊँ, मेरी परवरिश एक जू में हुई जहाँ मैं अपनी माँ, मेरे बड़े भाई और छोटी बहनों के साथ रहता था, और मुझे हमेशा शक था कि मैं अडॉप्टेड हूँ। मैं हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहता था। तो एक दिन मेरी माँ मुझे पार्क में शेक्सपियर दिखाने ले गई। ऐसा लगा जैसे हर कोई सोचता है कि उसके अच्छे दिन आएंगे। आज मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक्टर बनने के लिए जन्म लिया है। जूलियट मेरी जान, मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, जितनी किसी ने नहीं की होगी। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़कर जमीन पर ला सकता हूँ। मैं प्ले देखने हर रोज जाने लगा और मुझे प्ले का हर डायलॉग याद हो गया। तुम मेरी जान हो, तुमसे मेरी हो। मैं समझ गया मुझमें टैलेंट है। हम एक हो जाएं, हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। और तुमने इस तरह बोलना शुरू किया। अब मैं अपनी ही तारीफ में क्या कहूँ, पर तुमने तो सुना ही होगा कि नकलची बंदर बहुत अच्छी तरह नकल कर लेते हैं। पर फिर वो दिन आया जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। माँ ने इस कठोर दुनिया से मुक्ति पा ली। मेरी माँ बहुत सपोर्टिव थी। वो हमेशा कहती थी कि अपने सपनों को साकार करो, पर ये भी कहती थी कि एक बात याद रखो, ये पैसा शोहरत तो आते जाते रहेंगे लेकिन फैमिली कभी नहीं बदलेगी। ओह मोंटी, मैं तो इमोशनल हूँ। अरे पर आज तक इसका मतलब ही नहीं समझ में आया। फेमस होने का है तो कोई बड़ा सा कांड करने का और मैडम टुसाड में मस्त एकदम स्टैचू बन जाएगा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ या तो वक्त आ गया कि मैं उस दुनिया को छोड़कर आगे बढ़ूं। अगर मैं जू में रह जाता तो मेरा टैलेंट वेस्ट हो जाता। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। और मैं टेनिस से मिला, उसने मेरे टैलेंट को समझा और उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे फिल्म स्टार बनाएगा। हाँ एक आध एड फिल्म करा रहा है, पर मैंने ठान लिया है कि मैं बेहतर एक्टर बनकर दिखाऊंगा। आग लगा दूंगा, आग। माचिस जला के नहीं, एक्टिंग से। बस इंतजार है तो एक अच्छे से रोल की जो मुझे स्टार बनाए। ओ मोंटी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि कपेलो ने फिल्म के लिए एक नई मंकी को साइन किया है। कपेलो मतलब कपेलो फिल्म्स वाला कपेलो? हाँ, दी कपेलो फिल्म्स। बल्कि इस मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी आया है। क्या? तो मुझे बताओ मोंटी कि तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए? बहुत टाइम खोटे कर लिया, अब निकल। काम खत्म, पुराने 500,000 के नोट हजाम। चलो मैं निकल रहा हूँ। जैसी जल्दी अंदर आओ। मोंटी रुको, और तुम्हें तो मैं फेसबुक पे भी पहचानने से इनकार कर दूंगा, समझी? कम ऑन, बैलेंस करो, हाथ ऊपर, गुड। वाओ, ओके, क्लास ओवर। See you next week.
तुम्हें ये खबर कैसे नहीं मिली कि कपेलो एक मंकी पर पिक्चर बना रहा है? वो पिक्चर मुझे चाहिए, जल्दी मेरे एजेंट को फोन लगाओ डेजी। तुम्हें एजेंट की क्या जरूरत, तुम्हारे पास मैं हूँ ना, तुम्हारा ट्रेनर। मुझे ट्रेनर की जरूरत नहीं है, मेरी जान बन चुकी है, ये देखो डोले छोले। डोले छोले से क्या होगा, हमें कुश्ती नहीं लड़नी है, इंसानों के एजेंट्स होते हैं, लेकिन तुम तो एक मंकी हो। अरे कितने फेमस एनिमल्स के एजेंट्स होते हैं, जैसे स्टीवन सीगल। बिल्कुल सही कहा। और वो हाइडी ग्लूम का पति क्या नाम है उसका, सील। वो सब इंसान है मोंटी। अच्छा तो स्नूप डॉग, वो बाव आओ, शोक्रो, बियॉन्से, माइकल जे फॉक्स, और कितने नाम गिनाऊं? वो सब इंसान है। और टाइगर वुड्स, वो कोई एनिमल नहीं है, वो भी इंसान है। क्या पका रहे हो यार, तुम कपिलो के ऑफिस में फोन करने वाले हो या नहीं? मोंटी मैंने ऑलरेडी उनके कास्टिंग डायरेक्टर से बात की है, उन्होंने मुझे साफ इनकार किया है कि वो मंकी अप के अम्बेसडर के लिए तुम्हें कास्ट नहीं कर सकते। तुम प्लीज इसे समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कार्टून वाला बंदर एक्टिंग कहाँ से करेगा, तुम उन्हें समझाओ उन्हें मेरी जरूरत है। अरे मुझ जैसा एक्टर उसे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा, मैं स्टेज पर शेक्सपियर के प्लेस कर चुका हूँ। यही तो, तुमने उनके सिर्फ प्लेस देखे हैं, एक्टिंग नहीं की। पटर पटर बहस मत करो, मेरे गुड लुक्स, मेरी एक्टिंग की टैलेंट और चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ सुपरस्टार मेरे को ही बनना है रे। देखो मोंटी, तुम फिलहाल जेली बीन्स खाओ, हो सकता है तुम्हें एनिमल प्लैनेट में होस्ट करने को मिल जाए। चपर 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 चल बनकर, इतनी तनख्वाह ले तो कुछ काम तो करो। मैंने पहले तो तुम्हें कभी जॉगिंग करते नहीं देखा। वो मैंने सोचा फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए, इसलिए आज से शुरुआत कर दी। क्या कहती हूँ मैंने, सही किया ना? कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। यस। तुम्हारा दिन कैसा रहा? अच्छा रहा, मेरा काम भी हो गया और मैं फ्रेंड्स को भी मिली। हे सोफी कहाँ है? मुझे लगा तुम पिकअप। ओ नो, आई एम सो सॉरी बेटा। चलो घर चलते हैं। ओके प्लीज हनी, आई एम सॉरी, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अच्छा ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? हाय डैड, आपका दिन कैसा रहा? मेरा दिन अच्छा रहा। ये तो बहुत खुश लग रही है। हाँ काफी मनाना पड़ा, मैं बहुत बुरी मॉम हूँ। आ गया आइडिया, मैं कपेलो से कहूंगा कि वो मुझे अपनी फिल्म में ले ले, मुझे कौन पसंद नहीं करेगा, मैं तो अपना खुद का मन पसंद हूँ। क्या वो अंदर है? एक सेकंड, दरअसल वो अंदर नहीं है। तुम उसे जल्दी ढूंढो ताकि मैं अपनी एड फिल्म कंप्लीट कर सकूं। मेरे दिमाग को पता है कि वो कहां होगा। मैं अभी आ जाऊंगा, मीटर चालू रखना ठीक है, और अगर नहीं आए तो मंकी पालों से पैसा ले लेना। ए एंजल, तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हारे चार बाल भी उगाए हैं, कौन सा तेल लगाते हो? चुप रहो, एंजल लड़की का नाम है। मैं हूँ मोंटी, कल का सुपरस्टार और तुम्हारा दोस्त मेरा यार। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? अरे बेकार की बातों में क्यों टाइम वेस्ट करना, तुम खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारी निकलने वाली है, मैं हूँगा तुम्हारा नेक्स्ट हीरो। ये क्या बकवास है। कैच। यस प्लीज प्लीज डोंट फायर मी। क्या तुम मुझे प्लीज बताओगी ये मंकी अंदर कैसे आया? क्या बोलती चिकनी? मुझे इसके बारे में पता नहीं। एंजी एंजी, तुम्हारे विजन को क्या हो गया है, जरा सोचो, एक मंकी को फिल्म में लोगे तो टंकी भर के पैसा कमाओगे, फ्लश भी करोगे तो चिल्लर निकलेंगे, अरे तुम्हारा जाएगा ही क्या? पैसा, वक्त, लोगों का भरोसा और मेरी इज्जत, तुम्हें पता है मुझे कितने ऑस्कर्स मिले हैं? एक ऑडिशन तो देने दो। देखो ये जो फिल्म है ना, ये इंसानी रिश्तों के बारे में बात करती है, फैमिली के बारे में बात करती है। मैंने देखा था तुम्हारा ईटीवी का इंटरव्यू, तुम बहुत ही बदतमीज और घमंडी हो। क्या तुम्हें तो फैमिली का फर्क तक नहीं पता है, तुम सेल्फलेस नहीं हो। सेल्फी? हाँ। ले 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 सेल्फी ले ले रे।
फेसबुक पर डाल दो, बहुत लाइक्स मिलेंगे। अपने साथ तुम्हारी भी निकल पड़ेगी। बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। मैं अपना मंकी कंप्यूटर से बना लूंगा। वो बेजान मंकी क्या कर पाएगा? मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ कपोले। केट, यस, क्या तुम इस जेंटलमैन को बाहर का रास्ता दिखाओगी? तुम गलती कर रहे हो, पता है कितनी बड़ी? इतनी। तुम मौका गवा रहे हो, बहुत पछताओगे बाद में। लेकिन अब क्यूट है। मोंटी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी मेरे दोस्त, तुम्हारा टॉक टाइम खत्म हो चुका है और अब मैं एक भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। मुझे तुम्हारा स्केटबोर्ड चाहिए। टाटा बाय बाय, सी यू डैडी। मोंटी, ये बहुत महंगा फोन था, जल्दी से पकड़ो उसे। मोंटी, मोंटी रुक जाओ। मोंटी, मेरी बात सुनो। रुको, मोंटी रुक जाओ। अरे रुको, मैं तुम्हारे हाथ तोड़ता हूँ। मोंटी रुक जाओ, जाओ रास्ता दो। डेसमंड, बहुत हो गया। मैं एक नया मंकी कास्ट करना चाहता हूँ जो इससे भी ज्यादा टैलेंटेड हो और जिसके अंदर जरा भी एटीट्यूड ना हो, समझ गए? गुड नाइट मिसेज एंड्रयूज, होप आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक यू। ओह, ये लोग बात करने में बिजी हैं, मौके पे चौका मार देता हूँ। हाँ, मैंने अपनी डॉटर के लिए कुछ ऑर्डर किया था, आप प्लीज घर भिजवा देंगे? हाँ जरूर मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गुड नाइट मैम। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट। यू आर वेलकम मैम, गुड नाइट। बाप रे, कितने सारे टॉयज हैं और यहाँ पर इतना अंधेरा क्यों है? यहाँ पर लोग चलते वलते नहीं है क्या? क्या अंधे लोग काम करते हैं? ओह, ये क्या था? मेरे को जल्दी छुपना पड़ेगा। ये वही डॉल हाउस है जो मिसेस एंड्रयूज ने ऑर्डर किया है। कौन है ये? कौन है? तुम यहां पर क्या कर रहे हो? तुम किसके लिए काम करते हो? अच्छा, तुम्हें जुकाम हो गया है? मुझे घूरना बंद करो, तुम्हें यहां से निकालना होगा। बाल बाल बचा। ओहो, आलिशान घर में जाकर छुपूंगा। कुछ खास नहीं है पर ठीक है, काम चला लूंगा। तो ये है वो डॉल हाउस जो आज मिसेज एंड्रयूज के घर पर डिलीवर करना है, जो न्यू जर्सी में रहती हैं। इस ऑस्कर के लिए थैंक यू। मैं जा रहा हूँ कॉफी पीने, तुम सब इसे अच्छी तरह से पैक करके उनके घर पर ले जाना। गुड लक, कुछ तोड़ फोड़ मत करना।
ऑस्कर ऑस्कर। कौन है बे? वाओ, मेरा पेट मंकी आ गया। ए, एक मिनट रुक छोटी, मैं किसी का पेट मंकी नहीं हूँ, मैं सुपरस्टार हूँ। अरे वाह, तुम तो मंकी अब वाली स्टार हो ना। वाह बच्चा बच्चा मुझे जानता है, ऑटोग्राफ चाहिए बेटा? वैसे तुम्हें जोकर का कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? अच्छा सवाल है, क्या है कि अगली पिक्चर के लिए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेथड एक्टर हूँ ना मैं। कौन सी पिक्चर? वो क्या कि अभी तक अंगूठा लगा के साइन नहीं किया है, मेरे लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं, प्रीमियर की टिकट तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। अच्छा ट्रेलर देखो क्या? देखो मॉन्टी बजाएगा सबकी घंटी, बस बाकी इंटरवल के बाद। ओ, रुको रुको मैं अभी आती हूँ। अरे सुनो ये तो बता दो कि मैं कहाँ पर हूँ, यहाँ से निकलना पड़ेगा यार, मेरे करियर का सवाल है। गुड मॉर्निंग स्वीटी। आप क्या कर रहे हैं? मैं योगा कर रहा हूँ, कल टीवी पर दाढ़ी वाले योगी बाबा को देखा था। सेल्फीज को दीवार पर चिपकाया है, लगता है खिसके हुए लोग रहते हैं इधर। ऐसे करने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कुछ नहीं होगा स्वीटी, बताओ तुम्हें कुछ कहना था क्या? मैं पेट मंकी रख लूँ? मॉम ने तुम्हें डॉल हाउस दिया है ना? अच्छा मॉम से पूछो। मैं मॉम से पहले ही पूछ चुकी हूँ, उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए अब मैं आपसे पूछने आई हूँ डैड। वेल, मॉम ने मना कर दिया तो मैं क्या कह सकता हूँ। तुम तो जानती हो मेरी तुम्हारी मॉम के आगे नहीं चलती है, फिर भी आने दो, पूछते हैं। अरे भीड़ू तू यहाँ कैसे? क्या मुझसे बात कर रहे हो क्या? और नहीं तो क्या, मैं तेरे को काला दिखता हूँ क्या? पहले अपना आधार कार्ड दिखाओ। अपुन के पास आधार कार्ड नहीं है, उधार कार्ड है। वो सब छोड़, तू पहले ये बता कि ये केला तूने चुराया ला है ना? चुराया नहीं है, उधार पर लिया है, सूद समेत छिलके के साथ वापस लौटा दूंगा, समझा क्या? अब दिमाग में चाटो और जाओ यहाँ से, चलो। तेरी तो मुझे जाना होगा। तू मेरे को धमकी दे रहा है? हाँ वो भी फ्री में दे रहा हूँ। मैं आज भी फेंके हुए केले नहीं उठाता। केले की जान खतरे में, कोई बचाओ रे। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। रुको रुको जाओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगी। अरे भाग भाग जल्दी, करियर का सवाल है मोटे। ये क्या, ये स्लाइड पे लोग सीढ़ियां क्यों नहीं बनाते? मेरी पूछ डॉगी। मोंटी तुम ठीक हो ना? ये खून है के सौसे, सौसे तो चाट लूंगा, अगर खून है तो बेहोश हो जाऊंगा। क्या मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ? मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना डॉक्टर साहिबा? मामूली सी ये चोट है, घबरा क्यों रहे हो? सोफी स्कूल के लिए देर हो रही है। अब मुझे जाना होगा मोंटी, मुझे स्कूल जाना है, तुम कहीं मत जाना। मैं आपको दिखाता हूँ वो मंकी, देखिए ये रहा, देखिए ये बिल्कुल मोंटी जैसा दिख रहा है। ये तो बिल्कुल मोंटी जैसे दिख रहे हैं। हेलो मंकी, क्या तुम बोल सकते हो? मंकी आप इज द बेस्ट। मुझे लगा तुम मुंह से बोलोगे। नहीं, फोन करो। ए, उसने मेरा वॉलेट चुरा लिया। दूर हटो कार्टून। जाओ, हमें परेशान मत करो। ये क्या है, उसकी पॉटी तो नहीं? तुम्हारा शक बिल्कुल सही है, मैंने ऐसा सुना है जिसे वो पसंद करते उसी पर फेंकते हैं। चलो चलो यहाँ पर चलते हैं, बाद में।
दिखता तो ठीक ही है, पर क्या ये मोंटी जैसा कर पाएगा? ये देखिए। बैकअप, ये अभी काम करेगा। ये किसी काम का नहीं है। ऐसा होता है सर, शुरू शुरू में ऐसा होता है सर। अच्छा छुटकी, तुम्हारी ये फैमिली भी है ना? हाँ, मेरी मॉम है, डैड है और भाई ईथन है। ये तो सही है, मैं तुम्हारे साथ रहकर फैमिली के बारे में बहुत कुछ सीख सकता हूँ। तुम लोग ज्यादा ओवर एक्टिंग करते हो, पर मैं अंडर प्ले कर लूंगा। अच्छा, यहाँ पर रहने के लिए थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा या नहीं? मुझे नहीं पता। शर्मा मत छुटकी, बोल कितना चाहिए? $10। हाँ, आजकल के बच्चे बहुत शाने हो गए। छुटकी, बात यह कि मैं अपना वॉलेट लाना भूल गया हूँ। तुम दूसरी तरफ भी पे कर सकते हो। अच्छा, कैसे? तुम बहादुर हो ना मोंटी। बहुत बहादुर हूँ, एक बार इमोशन में बहा के दूर गया बहादुर। तो तुम मुझे जिम्नास्टिक सिखा सकते हो? हाँ ठीक है ना, बिल्कुल सिखाऊंगा। दे ताले। सर ये देखिए, ये कैसा लगा? ये वाला मुझे बहुत बढ़िया लगा। गुड, आपकी चॉइस अच्छी है। आप कॉल लेंगी? नहीं 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 सर, बाद में ले लूंगी, थैंक्स। ये देखिए, ये क्रिसमस ट्री, ये कैसा है? यहाँ पर इंटरनेट भी नहीं है, दिन भर बैठकर करूंगा क्या? चलो सोफी, सो जाओ। चलो लेट जाओ, गुड गर्ल। डैड, सोफी से कहो मेरी चीजों को हाथ ना लगाए और मेरी जेली बीन्स को ना खाए प्लीज। सोफी, आइंदा ऐसा मत करना। पर मैंने ऐसा नहीं किया, सच में डैड। तुम्हारे भाई को घर से निकाल देना चाहिए, बहुत तंग करने लगा है तुम्हें। नहीं मोंटी, ऐसा कुछ मत करना प्लीज, वो मेरा भाई है। वो थोड़ा इरिटेटिंग है, पर मॉम कहती है कि टीनेजर्स अक्सर ऐसा करते हैं, पर वो मुझे बहुत प्यार करता है। हाँ, मैंने भी सुना है कि इस उम्र में बच्चे लोगों में बहुत केमिकल लोचा होता रहता है। गुड नाइट मोंटी। गुड नाइट छुटकी। क्या सरकार सही कहती है, जल है तो जीवन है। बात बात में बात तब मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। क्या झाग वाला टब है, इसमें तो बहुत मजा आएगा, घस घस के नहाऊंगा। हाँ मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, काम बहुत था। ओए, लगता है अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। सोफी की पढ़ाई ठीक चल रही है? हाँ, पर मॉम मुझे उसे पढ़ाने का वक्त ही नहीं मिलता है। नहीं, उसका यहाँ एक भी दोस्त नहीं है। हाँ मैं जानती हूँ। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि उसे किसी हॉबी क्लास भेजूँ ताकि वो ओपन अप हो जाए, लोगों से मिले, कुछ मिल जाए। यही तो मैं चाहती हूँ। हाँ, अगर वो ऐसा करेगी तो उसके लिए अच्छा रहेगा मॉम। ओके, हाँ। हाँ ठीक है मॉम, थैंक्स। हे, आंटी ने तो सच में धो डाला। कहाँ जाऊँ शूटिंग के लिए? अफ्रीका। ये कैसी आवाज थी? वकील अपनी कुर्सी पे बैठता है, दायां हाथ उठा के कहता है कि तुम कहो जो कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे, और गवाह डर जाता है। क्या बकवास लिखा है, इसे पढ़ के तो पढ़ा लिखा आदमी सोचे कि मैं अनपढ़ क्यों नहीं हूँ। सुपर हीरो पे बहुत पिक्चरें बन चुकी हैं, क्या लिखूं? लिखना वही चाहिए जो तुम्हें आता। हाँ, एक काम करता हूँ, मंकीज पे ही लिख देता। Uh, uh, uh.
वाओ, क्या ये सब मैंने लिखा है? ठीक है छुटकी, तुम पहले कर सकते हो। मैं जाऊँ? नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे चोट वोट लग गई तो मेरा ऑडिशन भी तो है, देखो मैं एक एक्शन हीरो हूँ। अच्छा एक बात बताओ, जंप करने से पहले तुम क्या सोचते हो मॉन्टी? कि मेरे बाल तो ठीक है ना, पर तुम्हारे केस में तुम नीचे मत देखना, कहीं दूर किसी चीज पर फोकस करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे वाह छुटकी, क्या बात है, बहुत अच्छे। फोकस फोकस। कोई बात नहीं छुटकी, कोशिश करती रहो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। रोमियो ने जूलियट से कहा कि वो उसकी रक्षा करेगा और उसे किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। बस और टॉर्चर बर्दाश्त नहीं होगा यार। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम शेक्सपियर को ऐसे रीड कर रहे हो जैसे वो कोई रेसिपी बुक हो। अपनी रीडिंग में जान डालो इथन, इसमें एक्सप्रेशंस, एम्फसाइज और स्टोरी टेलिंग चाहिए। तुम्हें सुनकर तो नींद आ रही है। मैं मोंटी हूँ और मैं तुम्हारी बहन के डॉल हाउस में भाड़े पर रह रहा हूँ। मोंटी फ्रॉम मंकी अप, किस चीज का फेस पैक है इसमें? एवोकाडो, क्यूकम्बर, बनानास है, इससे मेरी त्वचा खिल जाती है। देखो मुझे पता है कि तुम शॉक्ड हो कि इतना बड़ा स्टार तुम्हारे घर पर है, पर मैं यहाँ जितने भी दिन हूँ मैं ये नहीं देख सकता कि तुम शेक्सपियर की खेली उड़ाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अरे यार अब इतनी जल्दी हार मत मानो। अच्छा अच्छा एक काम करो, मुझे बताओ कि तुम ये शेक्सपियर आखिर पढ़ना क्यों चाहते हो, आखिर माजरा क्या है? दरअसल क्लास में एक लड़की है जो जूलियट प्ले कर रही है। अरे बेटा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसका मतलब मामला दिल का है? हाँ। अरे वाह, प्यार के चक्कर में शेक्सपियर का प्ले बहुत अच्छा हो जाता है मालूम है, लड़कियाँ तो दीवानी हो जाती है। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सच में? पर फ्री में नहीं है मामू, बीन्स लगेंगे इसके लिए, लेकिन ब्लैक वाले नहीं खाऊंगा। हो तो तुम मेरी जेली बीन्स खा रहे थे। मैं झूठ कभी बोलता नहीं, सच मुँह से निकलता नहीं है, तो अगर मंजूर है तो आओ मिलाओ आज। अच्छा ये न्यू स्टाइल भी चलेगा। हेलो। हे। आज बड़े खुश लग रहे हो, लगता है कोई अच्छी स्क्रिप्ट लिखी है। हाँ लिखी है, पर मुझे याद नहीं कि मैंने वो कब लिखी है और कैसे लिखी है। ओ जो दो भाइयों पर लिख रहे थे। नहीं नहीं नहीं, वो वाली तो मैंने स्क्रैप कर दी, अब जो स्टोरी है वो है एक मंकी की। मुझे पता है सुनने में अजीब लगता है, पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, लोग पागल हो जाएंगे। मैंने अपनी पूरी एनर्जी उस स्क्रिप्ट में डाल दी है और मैं अंदर से इतना खोखला हो गया हूँ कि मुझे एक एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ गई थी। चलो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ। नहीं बात नहीं। ओह माय गॉड। संभल के संभल के। ओ तेरी। मैंने कर दिखाया मोंटी। बिल्कुल तुमने किया छुटकी। रोमियो रोमियो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोमियो। मैं भी यही सुनना चाहता था, मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। ये क्या बात हुई, दिल की बात कहने के बाद कोई लड़का हंसता है क्या? मेरे दिल को क्या छूता है? अरे हाँ बनानास। ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। ये क्या है, ये लोग कुछ हेल्दी नहीं खाते हैं क्या? चलो इसी से काम चला लूंगा। हे आर्म स्ट्रेट। तुम देख सकते हो कि बनानास बहुत हेल्दी हैं और इनसे भी एक एनर्जी ड्रिंक बन सकती है, तो आज से यही ऐड होना चाहिए। आज
आज डाइडिंग गई तेल लेने के लिए। मस्त है ना? और फिर रोमियो ने जूलियट से कहा, ओह माय गॉड, ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। हाँ सही कहा, तुम और शेक्सपियर ऐसे हो जैसे ईस्ट और वेस्ट, दिन और रात, बलि का बकरा और कसाई। अरे याद आ गया, तुमने सेवेरनोवा डेवर्जो रैक का नाम तो सुना होगा। शेक्सपियर का कजिन है राइट? हाँ सही जवाब। क्या वाकई में? नहीं रे, वो एक फ्रेंच आदमी था जो बहुत अच्छा बोलता था और उसकी लंबी नाक थी, लोग उसे दूर दूर से देखने के लिए आते थे। उसकी मीठी बोली लोगों पे जादू कर देती थी। उसने एक लड़की को प्रपोज करने में एक लड़के की मदद की थी। मैं भी वही करूँगा, बस फर्क ये होगा कि वो बहुत ज्यादा बदसूरत था और मैं एकदम डैशिंग हैंडसम हूँ। काला टीका लगा दो, कोई नजर न लग जाए। ओके, पर कैसे? ये लो पहन लो इन्हें, ठीक है? मैं तुम्हें कॉल करूंगा, तुम्हारा नंबर क्या? और हाँ, मेरा रिचार्ज करवा देना। 555-6789। ठीक है, याद रखूंगा। अब तुम मेरी बात सुनोगे तो वो लड़की पटेगी, नहीं तो किसी और लंगूर के हाथ वो अंगूर लग जाएगी, समझे? क्या डायलॉग मारा आप। ओ जूलियट, तुम ही हो मेरे सपनों की रानी, तुम्हारे बिना नहीं उतरता है मेरे गले से पानी। इससे और बेहतर हो सकता है। वेल डन एलेक्स, वेल डन। अब इसे कॉन्टेक्ट कर देगा। अब नेक्स्ट है ईथन एंड्रूज। ईथन एंड्रूज, ओह क्या टाइमिंग है। मोंटी तुम कहां हो? शुरू करो ईथन। तुम कहाँ थे? लेफ्ट मुड़ के देखो, मैं तुम्हें देख सकता हूँ। यह सुनहरी धूप जब तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है तो तुम खूबसूरत लगती हो। अब एक घुटने पर बैठकर जूलियट की तरफ देखो। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तब मुझे कुछ याद नहीं रहता, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। What a performance! क्या बात है, छा गया छोकरे, ठोको ताले। देखिए, मेरे पास आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन है सर। बताओ कैसे? हाय एवरीबॉडी, मैं हूँ आपका प्यारा मोंटी। मोंटी आप पियो और फिर झूम उठो। शायद आपको पसंद नहीं आया। मुझे मोंटी वापस चाहिए। फिर एक फैमिली मेंबर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। चल मोंटी, काम पे लग जा। हेल्प चाहिए ना? मैं कर सकता हूँ ना हेल्प। मोंटी, क्या तुम वाकई में हो? अब देखो, कभी ना कभी तो हमें मिलना ही था ना, आखिरकार तुम्हारी फिल्म का मैं होने वाला हीरो हूँ। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? कहीं मैं स्टोरी लिखने की वजह से स्ट्रेस में तो नहीं आ गया? कहीं मैं अपने होश तो नहीं गवा बैठा? ये लो होश में आने का चमाट। इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, समझे? इस घर में सिर्फ मोंटी को ड्रामा करने का हक है। पता है तुम्हारी ये हालत उसी ड्रिंक ने बनाई है। तुम्हें कुछ आइडिया भी है कि उस मंकी अप में होता क्या है? नहीं। अच्छा, मैं मोंटी हूँ, मेरी दर्द भरी कहानी बहुत लंबी है इसलिए आज नहीं सुनाऊंगा। जैसे कि मेरी स्टोरी? मेरी नहीं, हमारी स्टोरी। एक मिनट, क्या है कि मेरे अंदर के एक्टर के साथ एक लाजवाब राइटर भी है। तो कहानी क्या है? कहानी है एक मंकी की जो इस दर्द भरी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए मेहनत कर रहा है। वो चाहता है पैसा, रुतबा,
शोहरत और फिल्म स्टार्स वाली चकाचक लाइफ, बस उसका इतना सा ही ख्वाब है। तू फिल्मी हा? मैं कई सालों से एक अच्छे रोल की तलाश में बैठा हुआ था, पर फिर मैंने सोचा कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने पिक्चर लिखनी शुरू कर दी इस हाथ से। ओके, दाएं हाथ का कमाल है, मैं भी अपने दाएं कान से सुनूंगा। क्लाइमेक्स से पहले पूरा परिवार मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाता है। यस, बहुत ही अच्छा आइडिया है। और फिर माँ का कैरेक्टर आएगा और वो कहेगी बेटा स्वेटर पहन लो। तुम्हें ये जैकेट कहाँ से मिली? अच्छे लग रहे हो। ओ, ये वाली बादाम खाया करो पगली, भूल गई, अपनी एनिवर्सरी पे तुमने मुझे ये गिफ्ट दी थी। ऑफ कोर्स मुझे याद है, मैंने तो गिफ्ट दी थी। क्या तुम स्क्रिप्ट लिख रहे हो? हाँ। ये तुम्हारे डेस्क पर क्या है? ओ, ये एक मंकी है, मैं इसे अपनी डेस्क पर रखता हूँ इंस्पिरेशन के लिए स्टोरी लिखते हूँ। ये तो बिल्कुल रियल लग रहा है, ऐसा ही मंकी मैंने स्टोर में देखा था। ओ, हमें सोफी के लिए क्रिसमस पर लाकर देना चाहिए, उसे हमेशा से एक मंकी चाहिए था। तुम्हें ये कहाँ से मिला? मैं वो जॉगिंग कर रहा था और किसी ने इसे कचरे में फेंक दिया था, वहीं से उठा के लाया। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया, हम इसे सोफी के रूम में रखेंगे, कम से कम रियल मंकी की जिद तो नहीं करेगी। तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? मैं इसे ले जाऊं? नहीं हनी, जब मुझे लिखते वक्त आइडियाज नहीं आते हैं तो मैं इसे गले में लेके लोरी गाता हूँ, इंस्पिरेशन मिलती है। इज्जत का फालतू मत करो। अभी ये देखो, चाहे कोई मुझे मंकी कहे, कहने दो जी कहता रहे, हम उड़ते रहेंगे आसमानों में गोल घूमते रहे। उप्स, मैं इसे उठा लेता हूँ। ओके हनी, मैं तुम्हारा स्टफ मंकी नहीं लेकर जाऊंगी। तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, पूरी रात जो लिख रहे थे। ओ नहीं नहीं नहीं, अब जो मैं रुका तो मैं रुक जाऊंगा, मुझे मत रोको, मुझे थर्सडे को पब्लिशर्स को ड्राफ्ट देना है स्वीटी। ओके 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 ओके, ऑलराइट, बाय। हाय, इतनी जोर से फेंक दिया, ये सब क्या था मेरे भाई? उसे सच बता देता तो उसे लगता मैं पागल हूँ, कहानी शुरू होने के पहले ही खत्म हो जाती है। बाय द वे, फिल्म की एंडिंग क्या है? ओ, तेरी एंडिंग? अरे हाँ, उसके बारे में तो सोचा ही नहीं, कह छोड़ो, तुम ही लिख देना, पर याद रहे कि सबको हैप्पी एंडिंग अच्छी लगती है। हम अलग अलग जाते हैं और सबसे बेस्ट फ्री ढूंढते हैं। ओके, क्रिसमस मुबारक हो। मैं अभी आई। ओके, टेलर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपनी मॉम के साथ आई हूँ क्रिसमस ट्री खरीदने के लिए। ओह अच्छा, मैं भी। अरे यही मौका है ईथन बेटा, लोहा गरम है, मार दे हथौड़ा। मेरी मॉम हर साल हमारे घर पर बहुत बड़ी क्रिसमस पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। ओह ओके, क्या कर रहे हो? उसे घर पर इनवाइट करो। तो क्या तुम जाना मतलब गाना आना पसंद करोगी? हाँ, मैं आऊंगी। ओके कूल, चलो बेटा आगे जो करना है करो, मैं और सोफिया तो जा रहे हैं ट्रेन की राइड पर। ये मैक तो जानी पहचानी लगती है। ओ, इस अकेले केले वाले बंदर का तो कब से इंतजार था। छुटकी, एक प्रॉब्लम हो गई है, स्टोरी का विलेन लौट आया है। ओ, मेरा जॉमी, मैं पकड़ा उसे। रेलगाड़ी छुक छुक नहीं, टुक 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 चल। ओ बंदर की औलाद, रुक। हे बच्चों, मुझे क्रिसमस ट्री मिल गई। यहाँ पर क्या हुआ? बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ दोस्तों। मोंटी, तुम मोंटी को जानते हो? मोंटी को जानते हैं? चलो, कहानी में ट्विस्ट आ ही गया। मैं इतनी टेंशन में था कि अगर तुम्हें बता दूं कि मैं और मोंटी मिलकर ये स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो तुम लोग सोचोगे मैं पागल हो गया हूं। मेरी क्रिएटिविटी इनके काम आई। और मैं भी मोंटी के वजह से रोमियो जूलियट प्ले कर रहा हूं। तुम्हारा टीचर बहुत अच्छा है,
अरे हाँ वो तो मैं ही हूँ। इसी ने मुझे बैलेंस करना सिखाया डैड। बैंक बैलेंस तो था नहीं तो सोचा कि यही बैलेंस कर ले। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, हम मॉम को अभी कुछ नहीं बताएंगे, सही वक्त आने पर हम उन्हें सरप्राइज देंगे, उन्हें अच्छा लगेगा। रुको 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 रुको, मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। मैंने बच्चों से कहा था कि मैं थोड़ी देर के लिए ये सब करने वाला हूँ। अरे मेरा बचपन से सपना था कि मैं दुनिया का सबसे पहला मंकी सुपरस्टार बनूं। उसके लिए फैमिली वैल्यू सीख ली तो अब चलता हूँ मेरे भाई। कम से कम मेरा प्ले तो देख लो। और मेरे शो का क्या होगा मॉन्टी? तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा इमोशनल चेहरा बनाओगी और मैं मान जाऊंगा? अरे मैं एक्टर हूँ, ऐसे चेहरे मैं रोज बनाता हूँ, समझी? ठीक है, तुम्हारा परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है, पर मैं पहले ही बता रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए ही रुकूंगा। मॉन्टी जो मंकी अप का ब्रांड एम्बेसडर है वो पिछले कुछ दिनों से गायब है और पुलिस भी उसे ढूंढ नहीं पा रही है। मैं यहाँ मंकी अप के स्टूडियो से मंकी के एक खास फ्रेंड और ट्रेनर डेसमंड और मंकी अप के डायरेक्टर स्टैन लेवन से बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी। ओके, हम अपने मॉन्टी को बहुत मिस कर रहे हैं। okay. मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ मॉन्टी। हाँ बिल्कुल, क्या तुम हमें देख पा रहे हो? तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो मैं स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाऊंगी। ओके हाँ ओके, चलो मिलते हैं। इन दोनों का क्रिसमस मॉन्टी के बगैर अधूरा है, इसलिए आप लोगों से विनती है कि उसे ढूंढने में हमारी मदद करें। ढूंढने वाले को इनाम मिलेगा। मंकी आपको बनाना है। मैं हूँ एरिन जॉनसन फ्रॉम ईटीवी। अब मैं जानता हूँ कि 500,000 के नोट नहीं चल रहे हैं तो एडवांस देने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप 10,000 का भी चेक दे दें तो वो क्या है ना, मैं थोड़ा क्रिएटिवली लिख पाऊंगा। अरे ऐसे थोड़ी पटाते हैं, इस तरह तो ये किसी मंकी को बनाना भी नहीं बेच पाएगा। हाँ पता है, एंडिंग थोड़ी ड्रामेटिक हो सकती थी। अब ठीक है, मैं रीराइट करके एंडिंग वापस से भेजता हूँ। थैंक्स। हाय, मैं बोल रहा हूँ जॉर्ज एम क्यूरियस। अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हें सैंडी बुला सकता हूँ? ऑफ कोर्स, तुम्हारी आवाज़ है ही इतनी अच्छी, तो मैं तुम्हें ब्यूटीफुल सैंडी बुलाऊंगा। तो सैंडी, बात ये है कि जिस स्क्रिप्ट की बात हो रही है उसकी काफी डिमांड है। सच में काफी कंपेटिटर्स इस स्क्रिप्ट की भारी कीमत देने के लिए तैयार हो गए हैं और मुझे नहीं लगता तुम इस स्क्रिप्ट को गंवाना चाहोगी, है ना सैंडी? और क्या, मैंने कहा ना ये स्क्रिप्ट बहुत डिमांड में है। इस स्क्रिप्ट पर फिल्म ही नहीं बुक भी पब्लिश होगी, मिलियन कॉपीज पब्लिश हो सकती हैं। और एंडिंग का क्या? एंडिंग का क्या? अच्छा वो रीराइट करा लेंगे, जिसमें होगा ढेर सारा मसाला, ड्रामा और एक्शन। अरे तुम उसकी चिंता मत करो सैंडी, मुझे लगता है तुम्हें प्रोडक्शन हाउस से बात कर लेनी चाहिए। जल्दी से जल्दी शूटिंग स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोड्यूसर आएगा, पैसा फेंकेगा, तमाशा शुरू होगा। पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करना काज नहीं लेता, पैसा मिलेगा तो स्क्रिप्ट मिलेगी। ठीक है चलो, रखता हूँ फोन। मॉन्टी। हाय बच्चा पार्टी। अरे क्या है कि मेरे पास पहनने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए तुम ही लोग जाओ। ठीक है छुटकी, क्या कमाल का सूट है, कहाँ से मिला ये तुम्हें? मॉम से बनवाया, ये कहकर कि डॉल प्रिंस के लिए चाहिए। मॉन्टी तुम्हें तो बेस्ट दिखना ही होगा। अब तक मुझे कभी किसी ने इतनी अच्छी चीज नहीं दी। अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। कौन मैं फैमिली का हिस्सा? अरे क्या बात कर रही है छुटकी, थैंक्स। अच्छा बच्चा पार्टी, एक काम है जिसमें मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। हाँ क्यों नहीं। वाओ, मुझे ये जगह पसंद है। मैरी क्रिसमस भाई लोग। ओ देखो तो देखो कौन आया है, सूट बूट में आया का नहीं है बैंड बजाने को? वो तो बाद में पता चलेगा कि किसका बचता है। स्वागत है इस सदी के सबसे बड़े ड्रामेबाज का। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लगता है हमारे लिए कोई सरप्राइज लाया है। बस क्रिसमस विश करने के लिए आ गया। ये लो भाई, शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो इस ड्रामेबाज का नया ड्रामा प्रेजेंट्स लेकर आया है। ओहो, ये क्या नया वाला आईफोन? अरे सबके लिए एकदम धमाल गिफ्ट्स लेकर आया हूँ, देखो। मुझे तुम्हारा तोहफा नहीं चाहिए। तुम हमें तब छोड़कर चले गए जब तुम्हारी हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी मॉन्टी। तुम हमें खरीदना चाहते हो?
पर अब मैं बदल गया हूँ, सच में मेरा यकीन करो, मैं अब एक फैमिली मंकी बन गया हूँ। हाँ, देख कर तो लगता है, लेकिन जो कुछ हुआ उसे इतनी आसानी से भूल जाए ये तो हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है मोंटी, अब तुम चले जाओ। सायोनारा, दुआओं में याद रखना, ये दुनिया अब तुम्हारी नहीं रही, तुम्हारी असली दुनिया तो अब सिर्फ और सिर्फ हॉलीवुड है। दिमाग खराब हो गया था मेरा जो मैं यहाँ पर लौट आया। उफ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हे मोंटी। हाँ बोलो मेरे भाई। ये सुनो म्यूजिक, तुम्हारी जाने की खुशी में। अच्छा चिट्ठी लिखना, अरे कहाँ, आजकल तो फेसबुक का जमाना है, लाइक करना मेरी फोटो। आई एम सो सॉरी मोंटी। तुम ठीक हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी मुझे ये फैमिली वैमिली के चक्कर से एलर्जी है, मैं उस टाइप का हूँ ही नहीं। चलो छोड़ो, जल्दी से शो देखने चलते हैं। बहुत अच्छे। वाह, असली सुपरस्टार छुप छुप के रेड कार्पेट पर चल रहा है। चलो चलो उस तरफ। हाय, कैसे हैं आप? मिस्टर हार्ट, मिस्टर एंड्रयूज, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये है मिस्टर हार्ट, हार्ट टॉय स्टोर के चेयरमैन, और मिसेस एंड्रयूज नई प्रेसिडेंट। मिस्टर हार्ट, आप इस एनुअल शो को हर साल ऑर्गेनाइज करवाते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही, इससे हम हर साल बच्चों में खुशियाँ बांटने की कोशिश करते हैं। मैरी क्रिसमस। बहुत ही खूब, हमें हार्ट का ये गाला शो बहुत अच्छा लगा, आप क्या कहना चाहेंगी? ओ थैंक यू, मुझे इस एनुअल शो का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लग रहा है। Okay. मैं अपनी फैमिली को थैंक कहना चाहती हूँ, uh-huh. जिनकी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। या ओप्स, ओके मोंटी तुम यही रहना, मैं तुम्हें सोफी के फोन से कॉल करूँगा। और कभी न कभी तुम्हें मेरी मदद के बिना उससे बात करनी पड़ेगी बेटा। चलो ठीक है, बाद में मिलते हैं। इतनी जबरदस्त पार्टी देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा, चलो इस पार्टी में जान डाली जाए। सॉरी लाइन में नहीं आ रहा, पर बहुत जोरों की प्यास लगी है। नीला नीला नींबू पानी, पता है मैंने भी एक बार ऐसी बड़ी पार्टी दी थी, और फ्रूट पंच के लिए क्या रखा था मालूम है? गोले वाले का बर्फ लिया, पिघला दिया और वो बन गया फ्रूट पंच। नर्वस हो रहे हो? हाय इथन। हे टेलर, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक्स, तुम भी अच्छे लग रहे हो। थैंक्स। ये जगह कितनी खूबसूरत है ना? ये मेरी बहन सोफी है। हाँ हम पड़ोसी हैं, राइट, मैं इसे जानती हूँ। हाँ हम तो रोज ही मिलते हैं, वो भी कई बार। सोफी जल्दी जाओ, मोंटी को ले आओ। ओके। मिस्टर कपिलो, हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसे हो? थैंक यू। जरा देखो तो ये मंकी कितना क्यूट है। वाह दद्दू, जितने बेवकूफ दिखते हो उतने हो नहीं है। ये तो बोलता भी है। चीयर्स। पार्डन साहब। पीता भी है। ये जो फिल्म है ये इंसानी रिश्तों के बारे में है, इसलिए मैं चाहता था कि बात करने के लिए रुकता जरूर, पर मेरी किस्मत मुझे पुकार रही है, अब दिखाऊंगा अपना चेहरा। मोंटी तुम कब सुधरोगे? ओह माय गॉड, क्या वो एंजेलो कैपेलो है? शायद। मोंटी पार्टी में घूम रहा है और उसका फोन भी उसके पास नहीं है। अभी मोंटी कौन है? वो हमारा पेट मंकी है। एक मिनट रुको, तुम्हारे पास पेट मंकी है? वो अब हम तुम्हें क्या और कैसे बताएं? वो एक लंबी कहानी है, हमें उसे ढूंढना होगा। चले अटेंशन। ऐसे किसी को भी सलाम नहीं ठोकने का।
ये क्या था? ओह वाओ, हम बात कर रहे हैं मंकी अप के स्टार से। ये तो कुछ भी नहीं, अगले साल जो मैं फिल्म करने वाला हूँ ना, उसके लिए मुझे ऑस्कर मिलने वाला है। कीप रोलिंग। बात ये है कि मैं अगले साल एक फैमिली ड्रामा करने वाला हूँ और उस फिल्म का नाम होगा होम एक मंदिर। ओके। जिसे डायरेक्ट करेंगे जिमल एंड्रूज और ऑफ कोर्स हीरो तो मैं ही हूँ। और मैं बता रहा हूँ, ये मूवी सारे ब्लॉकबस्टर रिकॉर्ड तोड़ देगी। ये क्या क्या हुआ? मोंटी का इंटरव्यू। उस मंकी अप का नाम सुन के मेरा सर दुखने लगता है। अब मैं वैसे एड बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। ये तो मजाक उड़ा रहा है मेरा। अब मैं उस 2% की ड्रिंक के साथ अपना नाम बिल्कुल जोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये चैरिटी शो अब तक का बेस्ट रहा है। थैंक्स टू यू मैडम प्रेसिडेंट। चीयर्स। मुझे वो टॉकिंग मंकी बड़ा प्यारा लगा। आई एम सॉरी, क्या आपने मंकी कहा? हाँ वो मैं भी आता हूँ, मुझे जोर की लगी। कंट्रोल नहीं हो रहा, सॉरी। हाँ, क्या शानदार गाड़ी है। ऐसा लग रहा है कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ही बनी है। आपको इनविटेशन कार्ड दिखाना होगा। इनविटेशन कार्ड? हाँ। तुम इनविटेशन कार्ड लाए हो ना? अरे यार, गांव बसने से पहले चोर उचक्के आ गए हैं। आप बिना इनविटेशन तो बोलो बेबी डॉल, लॉन्ग ड्राइव पे चलना चाहोगी मेरे साथ? कहाँ बचकर जाओगे मुझसे? मोंटी प्लीज हमारी बात सुनो, हमें तुम्हारी जरूरत है। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम। तुम्हारी स्पीड ब्रेकर है नहीं मोंटी, रुक जाओ। अरे तुम साइड हटो, साइड हटो मोंटी। फास्ट एंड फ्यूरियस। तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, पकड़ के रहूंगा। रुक जाओ, आज कहा गया, रुक जाओ। और अरे ओ बंदर की औलाद। तुम मोंटी के जन्म का बदला ले रहे हो तुम? रुक जाओ मोंटी। कहाँ गए? अरे कहाँ गया मोंटी? मोंटी अरे ढूंढो उसे, आज ये सामने से तुम मुझसे भाग के नहीं जा सकते। मोंटी ध्यान से सुनो। कहाँ गया? मोंटी तुम ठीक तो हो? हमें शूटिंग करनी है। मोंटी, मोंटी तुम ठीक हो ना? हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ, पर मुझे इस पार्टी का हाल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो कहते हैं ना, बदनामी सही पर हमारा थोड़ा नाम तो हो गया। लगता है चाइना का माल था। बताओगी ये क्या हो रहा है? नहीं मिस्टर हार्ट, मैं नहीं जानती, कोई बताएगा मुझे क्या हो रहा है? वो मैं बताने ही वाला। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे मोंटी को मुझसे चुराने की? ये मोंटी मेरी अमानत है। ओए पेट के गोडाउन, हिम्मत है तो मुझसे बात कर, चल आजा, दो बात हो जाए, चल। तुम मुझे ललकार रहे हो, मुझे फाट करो। कम ऑन, रिलैक्स, रुक जाइए। हमने उसे चुराया नहीं है, वो अपने सपनों को जीना चाहता है। मेरे पास ये कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें लिखा है कि ये मंकी सिर्फ मेरा है। ऑफिसर, ये कोर्ट का ऑर्डर है और हमें इसे मानना ही होगा। आई एम सॉरी। ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, माफ कर देना बच्चा पार्टी, शायद मैं एक फ्रॉड ही हूँ, एक्टर तो बिल्कुल नहीं हूँ। अपना ख्याल रखना बच्चू।
छुटकी, आई हेट टीयर्स रे। चलो यहां से। नहीं, मत जाओ, प्लीज। डैड कुछ कीजिए, मोंटी हमारा फैमिली मेंबर है। आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उसकी प्रॉपर्टी है। मोंटी कोई खिलौना नहीं है, वो एक रियल मंकी है जिसकी रियल फीलिंग्स है, बिल्कुल हमारी तरह। क्या तुम में से कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि एक टॉकिंग मंकी इतने दिनों तक हमारे घर में रहा और मुझे पता ही नहीं? मोंटी सिर्फ एक टॉकिंग मंकी नहीं है मॉम, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसने मुझे सिखाया कि ऊंचाई से कभी मत डरना। आपको ये भी नहीं पता कि सोफी अपने जिम्नास्टिक्स में बहुत अच्छा कर रही है, और शायद आपको इस बात का भी नहीं पता कि मैं रोमियो और जूलियट में लीड कर रहा हूँ, और मैं उसके बगैर अपनी स्क्रिप्ट पूरी नहीं कर पाऊंगा। आपको बता देते तो क्या आप हमें डांटती नहीं मॉम? मंकी अब और झूम उठो। कट। इसके चेहरे पर इमोशंस क्यों नहीं दिख रहे? जब ये सुनहरी धूप तुम्हारे चेहरे पर पड़ती है, तुम बहुत ही खूबसूरत दिखती हो जूलियट। मैं आज ऐलान करता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। ओह, ये तो बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो मुझे $1,000 देने पड़ेंगे। हाय सोफी, हमें मोंटी को वापस लाना होगा। तुम आज ऑफिस नहीं गई? नहीं, मैंने मिस्टर हार्ट से बात की और उन्होंने कहा कि मैं उनकी फैमिली की तरह हूँ, तो मुझे उन्होंने एक महीने की छुट्टी दे दी ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकूँ। और ये तो अच्छी बात है। मैं अपने काम में इतनी बिजी रही कि तुम्हारे स्क्रिप्ट खत्म होने पर मैंने तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट तक नहीं किया। कोई नहीं। ओ, मेरे पब्लिशर का है। हाय सैंड्रा। ओ सॉरी, तुम्हें सैंडी बुलाओ ना। मेरा एजेंट बहुत नेगोशिएट कर रहा है। ओ, मेरा एजेंट कौन है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट्स फाइन। ओके, बाय, थैंक्स।
बताओगे क्या बात है? उन्हें मेरी स्क्रिप्ट बहुत ज्यादा पसंद आई है और तो और वो चाहते हैं कि मैं उसे डायरेक्ट करूं। उसने कहा कि मेरे एजेंट ने बहुत ज्यादा नेगोशिएशन। तुम्हारा एजेंट कौन है? आई थिंक मुझे पता है वो कौन है। हम सही जगह आ गए हैं। हाँ, ये सोफी और मैं इथन हूँ। हम उस दिन मॉन्टी के साथ आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए आए थे। तुम बोलते हो मुझे पता है। नहीं, हम नहीं बोलते। अच्छा अच्छा, बताओ बात क्या है। मॉन्टी तकलीफ में, उसे आपकी जरूरत है। ओ प्लीज बस करो, हम उसे ट्विटर पर फॉलो करते हैं। वो साफ साफ कहता है कि वो चिड़ियाघर के जानवरों से बेहतर है। मॉन्टी आप लोगों से बहुत प्यार करता है, सच में। और तुम लोग उसकी फैमिली हो, और फैमिली तो हमेशा मुश्किल में साथ देती है। मॉन्टी मुसीबत में है, उसे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि हमने मॉन्टी के साथ बहुत बुरा किया, तो प्लीज आप हमारा साथ दीजिए और अपने भाई को बचाइए। हम उसे बचा सकते हैं, प्लीज मैं उसके साथ हूँ। अरे तुम हो तो तुम जाओ ना, मुझे परेशान मत करो, मुझे पहले से बहुत सारे काम हैं। देखो भूलो मत, हम सब साथ साथ हैं। हाँ ठीक है सब साथ हैं। मैं भी, चलो उस ड्रामेबाज की जाकर मदद करते हैं। बस एक प्रॉब्लम है, तुम लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? ओ तुम भी ना, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। हम रास्ता निकाल लेंगे, हम कोई अरे गहरे मंकी नहीं है। हम मॉन्टी से कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। हमारे पास बाहर जाने की चाबी पहले से है। ओह सोफी, मम डैड, हम मॉन्टी को बचाने जा रहे हैं। हमें चलो चलो चलो। अब हम क्या करें? हमें अंदर जाना ही होगा। पर कैसे? हम लोग अलग हो जाते हैं। क्या तुम लोग दीवार को पार कर पाओगे? तुम बस देखते जाओ हम क्या करते हैं। सोफी, यही सही मौका है। सोफी, अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? बच्चा पार्टी, तुम लोग यहाँ पर कैसे आ गए? हम तुम्हें लेने आए हैं दोस्त। पता है, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि पैसा और रुतबा आता जाता रहता है, पर फैमिली हमेशा साथ रहती है। मैं ये बात तब तक नहीं समझा था जब तक तुम लोग मुझे मिले नहीं थे। मोना, मेलडी, मॉर्ट, तुम भी मुझे ले जाने आए हो? देख भाई मोंटी, ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। अब क्लाइमेक्स आ गया तो बोल देता हूँ, हम सब साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, तेरे साथ रहकर हम भी ड्रामा सीख गए हैं। मैंने तुम्हारी याद में एक गाना लिखा है, मैं तुम्हें अभी सुनाती हूँ। मोंटी मेरे ब्रदर, मैंने तुम्हें किया बहुत ही मिस डियर। ठीक है, बस करो मेलेडी, तुम्हारे सुर दिल तक पहुंच गए। मेरा गाना अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो बहुत गाना बाकी है। पर मेरा आज उपवास है, मैं आज के दिन ज्यादा गाना बजाना नहीं सुनता हूँ। सर प्लीज ऐसा मत करना, मॉन्टी बहुत ही क्रिएटिव है, मुझे बस मोटिवेशन की जरूरत है। वो लोग आ रहे हैं। मॉन्टी बहुत ही अच्छा एक्टर है, हमें बस उससे अच्छे से और प्यार से बात करनी है। ये छोटी सी मशीन उस मंकी से बढ़िया काम करवाएगी, देखना। मॉन्टी, क्या तुम्हारे पास ऐसी और टी शर्ट होंगी? हाँ, देखता हूँ, होनी तो चाहिए। यू आर फायर्ड। ये लो, ड्रेस वाले दादा अभी चकाचक कपड़े देकर गए। क्या तुम सब भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? मैं बताती हूँ, अब हम सब एक मंकी गेम खेलने वाले हैं।
इसे खोलो। आप ही खोलो, मैं क्यों खोलूं? क्या सिक्योरिटी, खोलो इसे। ए, ए मोटे, अगर दम है तो पकड़ के दिखा। मोटे मैं यहाँ हूँ। अबे रसगुल्ले, यहाँ तेरे पीछे। उन मंकीज को पकड़ो। ये मुझे बेवकूफ समझते हैं, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ जा रहे हो बच्चों? हम मोंटी को घर ले जा रहे हैं। ओह, लेकिन उसका घर तो उस कैन में है। इस तरफ चलो। पागल समझाए क्या? जो तुम पर भरोसा करूंगा, और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? हाँ, क्या बात बोली यार। आ जाओ, जल्दी करो, उस तरफ जाओ, सीधा गो। किस तरफ जाए मोंटी? मुझे क्या पता, यहाँ मैं घर का थोड़ी खेलता था। इस तरफ चलो। देखिए सर, मैं आपको वार्न करता हूँ कि आप मोंटी से दूर रहिए। उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन पहले मैं तुमसे निपट लूं। यहाँ से बचकर कहाँ भागोगे? पकड़ लिया। इतनी जल्दी नहीं मोटे, पहले नहा तो ले। ये साबुन कम पानी मिक्स है। बहुत दिन से नहीं आया था ना, ले। हाय, नाम बताइए अपना। जिम और नेटालिया एंड्रूज। हम एक्चुअली आई एम सॉरी, लेकिन मेरी लिस्ट में ये नाम तो मौजूद है ही नहीं। एक्चुअली हम मोंटी से मिलने आए हैं। हम उनके रिलेटिव्स हैं। ओह अच्छा, तो तुम मोंटी के रिलेटिव्स हो। अच्छा मतलब तुम मंकी के मामा हो। प्लीज, हमारे बच्चे अंदर हैं। तुम्हारे बच्चे मतलब तुम मंकी की मामी हो और ये मंकी के मामा है। मामी मामा। अब तुम लोग फंस गए बच्चियों, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानता। बस एक और धमाका। चलो जल्दी भागो यहाँ से। जल्दी हम फंस गए। सुनो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे बस मेरा मंकी वापस चाहिए। मोंटी सिर्फ मेरा है। मोंटी तुम्हें जंप करना होगा, जैसे मंकी अब एड फिल्म में किया था, तुमने पैराशूट भी पहना है। हाँ मोंटी जंप। नहीं कर सकता। मोंटी तुम्हें करना होगा। वो जंप नहीं कर सकता क्योंकि मोंटी को ऊंचाई से डर लगता है। मोंटी तुम इन लोगों का चक्कर छोड़ो, मेरे पास वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर जेली बीन्स खाएंगे, क्या बोलते हो? तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है? मैं एक एक्टर हूँ, सिर्फ एक्टिंग करता हूँ और मैं अपने खुद के स्टंट्स कभी नहीं करता। क्या कहा? मैंने कहा था कि मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता क्योंकि मैं चाहता था कि तुम लोग मुझे पसंद करो। हम तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। क्या सच में? सोफी, इथन, देखो मैं फिर से फोन कर रहा हूँ, मुझे मेरा मोंटी वापस दे दो प्लीज। नहीं, नो सोफी नहीं। मोंटी!
पकड़ लिया। पहुंचे। मैं कूद गया। हम उड़ रहे हैं, उड़ रहे हैं। तुमने मुझे बचाया मोंटी, तुम मेरे हीरो हो। हीरो? अरे छोड़ो भी, मेरी जगह कोई और मंकी होता तो यही करता। मोंटी, मोंटी तुमने कर दिखाया। मुझे खुशी है कि तुम ठीक हो। सच में एक हीरो हो। ये फैमिली वाली फीलिंग सच में बहुत अच्छी लगती है। रुक जाओ, आखिरी बार कहता हूँ, मेरे साथ चलो मोंटी, इस बार कोई शरारत नहीं चलेगी, तुम सिर्फ मेरी अमानत हो। नहीं, पास हो गया, मैं कहीं भागना नहीं चाहता। मैं भाग भाग कर थक चुका हूँ। पहले जू से भागा और उसके बाद अपने ही भाई बहनों से भागा। अब मैं अगर भागूंगा तो सिर्फ कहीं पहुँचने के लिए, अपनी फैमिली के पास, क्योंकि कोई साथ दे या ना दे, फैमिली जरूर साथ देती है। देखो कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा है, तुम सिर्फ मेरी अमानत हो। मोंटी मुझे माफ कर दो दोस्त, ये सब मेरी गलती है, मैं पैसों के पीछे पागल हो गया था। डेजमंड, मुझे एक डॉलर चाहिए। क्या, एक डॉलर? हाँ, एक डॉलर। ठीक है लो, अब मैं आपका एजेंट बन गया हूँ और लॉ के मुताबिक मैंने आपकी प्रॉपर्टी को 1000 डॉलर्स में बाय आउट करवा दिया है डायरेक्टर साहब। है, लेकिन उसके लिए चाहिए 100,000 डॉलर्स। और तुम्हारे पास आएंगे कहाँ से इतने सारे पैसे? मेरे क्लाइंट और मेरे दोस्त मोंटी को तुमसे छुटकारा दिलाने के लिए। ये रहा आपका चेक। बचना डायरेक्टर साहब, लो हम आ गए। अब ड्रामे के साथ थोड़ा एक्शन भी। निशाना लगाओ और हमला करो। नहीं, अरे क्या कर रहे हो? नहीं, तुम लोगों का जवाब नहीं। और सिस्टर, क्या कमाल का थ्रो था। मोंटी, तुम्हें कभी किसी लेडी को कॉम्प्लीमेंट करना आया ही नहीं। बस कर, इसे झाड़ पर मत चढ़ा। वैसे भाई, हम तेरे लिए खुश हैं। और तू हमारा फेवरेट ड्रामेबाज है। मुझे पता था तुम कमाल करोगे। पता नहीं मैं आप सबका शुक्रिया अदा कैसे करूँगा। शुक्रिया अदा करना है तो हमारे एजेंट का करो। क्या कहते हो? क्या मुझे अडॉप्ट कर रहे हो? ये भी कोई पूछने वाली बात है? वी आर अ फैमिली। वाह, तुमने सही कहा था मोंटी, सभी को हैप्पी एंडिंग अच्छी लगती है। अरे रुको रुको, मुझे एंडिंग के लिए बहुत अच्छा आइडिया मिल गया। सच में? ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे प्रोड्यूसर का फोन आया था और वो चाहता है कि हम उनके लिए पिक्चर बनाए। पिक्चर बनाने वाले? अरे वाह, हम पिक्चर बनाने वाले हैं। पिक्चर बना रहे? मेरा तो ऑडिशन भी नहीं लिया भाई। और मैं मंकीज की मार्लिन मोनरो बनूंगी। मैं जानता था एक दिन मैं हॉलीवुड का स्टार बनूंगा। डैड, क्या मुझे भी रोल मिलेगा? लेकिन सभी को ऑडिशन देना होगा। Play a gangster, do my own stunts 'cause I'm the master. I do Shakespeare, even King Lear. There ain't no peer, I can fake sincere. Give me the bling 'cause I deserve. I want a limo and a chauffeur. No matter who you are, I'm a big superstar. So just pass the caviar. Monkey see and monkey do. You wanna be like him too. Monkey see and monkey do. But you can't hold him in the zoo. Monkey see and monkey do.